और देखिए यहाँ पे लाल बटन है सब्सक्राइब का और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि HDFC AMC भी इसके शॉर्ट में बोलते हैं कहते हैं। और यहाँ पे पहले हम बता दें कि जो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका जन्म क्यों हुआ, अभी एक साल पहले लिस्टेड हुई है, एग्जैक्ट डेट भी अभी हम बताएंगे। और लिस्ट होने के बाद तो ये जो HDFC AMC है, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो इनकी पेरेंटल कंपनी, जो इनके माता पिता हैं और फिर HDFC बैंक, उसी ख़ानदान की है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई जो भी एक ये फ़ंड लो और ये फ़ंड है इसको आपको मैनेज करना है। म्यूचुअल फंड्स एक फ़ंड मैनेजर नियुक्त किया गया और उन्हीं के देख रेख में ये पूरा मैनेजमेंट, जितनी भी प्रॉपर्टी असेट्स हैं या जो भी पैसा है उनको कहाँ लगाना है, किस प्रकार लगाना है, तो हम प्रोडक्ट्स में देखेंगे उनकी वेबसाइट में चल के कि क्या करती है एग्जैक्टली। म्यूचुअल फंड्स में मेनली, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनके अलग अलग प्रकार के फंड्स हैं, जैसे HDFC आर्बिट्रेज फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, निफ्टी 50, तो इस प्रकार के बहुत सारे जो इनके म्यूचुअल फंड्स हैं, स्कीम्स हैं, ये फंड मैनेजर के माध्यम से ये मैनेज होती हैं। तो इस कंपनी, ये जब कंपनी लिस्ट हुई तो आज का जो भाव है 1937 रुपये, और 14 जून यानी ये कल का, क्योंकि आज शनिवार है मार्केट बंद है और फ्राइडे का लास्ट क्लोजिंग था 1937, 14 जून 2019, और लो था जो 5200 तक गया था नीचे और हाई बनाया था 1970 यानी के आसपास ही। और अगर हम चार्ट में देखते हैं 2 सालों के, तो यहाँ पे देखिए 2018 अगस्त में ही दिखा रहा है, यहाँ पे लिस्ट हुई, इसके बाद इसने हाई बनाया 1969 का, और उसके बाद लोगों ने जिन्होंने लिस्टिंग के टाइम पे पैसा लगाया रहा होगा, जिन्होंने शेयर्स में जिनको मिले होंगे तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, फिर लगातार डाउनसाइड, यहाँ पे लो बना 1248 का, और लो के साथ चूंकि मार्केट भी बेरिश थी एक साल डेढ़ साल से, तो लगातार यहाँ पे ऐसे उतार चढ़ाव को करते हुए फिर यहाँ पे डिविडेंड दिया गया, इंटरिम डिविडेंड 6 मार्च 2019 को, उसके बाद चढ़ता हुआ फिर यहाँ पे इनका रिजल्ट आया और नेट प्रॉफिट इनका रिजल्ट्स वगैरह सा काफ़ी अच्छे थे, और आज इस तरीके से फिर उछाल के साथ आज का जो भाव है 1937 रुपये पर चल रहा है। तो ये रही इसकी कहानी। अब हम इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं किस प्रकार के हैं, आप समझ गए होंगे कि क्या करती है। अब अगर हम देखते हैं जो इसके प्रमोटर्स हैं, तो HDFC बैंक ही है जो मेनली 52.77% के आसपास है, और प्रमोटर्स के पास है 82.72% के आसपास है। और फाइनेंशियल में हम देख लेते हैं, देखिए दिसंबर 18 और मार्च 19 पे अगर हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में, तो नेट सेल्स में भी देखिए यहाँ पे जो 477 करोड़ के थे दिसंबर 18 में, 486 यानी 1.97% की अपसाइड है। और वहीं पे नेट प्रॉफिट में भी जहाँ दिसंबर 18 में थी 243 करोड़ के आसपास, वहीं मार्च 19 में हो गए 276 यानी 13% के आसपास की अपसाइड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे जो है 7.13% की अपसाइड है। और वहीं पे हम ईयर ऑन ईयर मार्च 18 से मार्च 19 के कंपेयर करते हैं, तो भी देखिए नेट सेल्स में 3.80% की अपसाइड है और नेट प्रॉफिट में 60% के आसपास की अपसाइड है, और मार्जिन में भी 20% से ज़्यादा की अपसाइड है। तो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए हैं इनके। इस वजह से इस स्टॉक में अभी जो लिस्टिंग के बाद डाउन दिखा रहा था, ज़बरदस्त में बूम आया और ये भाग रहा है काफ़ी अच्छा, अपने इन्वेस्टर्स को जो एग्जिस्टिंग इसमें बने हुए थे उनको प्रॉफिट आज मिल रहा है। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए रिटेल निवेशक को, तो अच्छा हम रिटर्न भी देख लेते हैं, देखिए ईयर टिल डेट, क्योंकि अभी ये अभी हाल ही में लिस्टेड हुई है, तो 28% के आसपास का रिटर्न है, 6 महीने जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 24.5% के आसपास का, 3 महीने में भी 28% के शानदार है, 1 महीने में जिन्होंने पैसे लगाए उनको भी 22% के आसपास का रिटर्न है, 1 वीक में भी रिटर्न अच्छे हैं, और 1 डे में भी मतलब कल यानी 2.22% की अपसाइड इनको रिटर्न मिल रहे हैं। अब ऐसे में एक रिटेल निवेशक के लिए दुविधा का विषय होता है कि
1900 यानी कि 2000 रुपए के आसपास का स्टॉक प्राइस है इसका। तो कंपनी तो अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन इतना बड़ी प्राइस का बहुत लोग, क्योंकि कुछ लोगों के पास कम फंड होता है, तो मान लीजिए 4 शेयर भी ले लिए, 10 शेयर भी ले लिए, तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। खैर, मार्केट कैप है भी इसके 41,180 करोड़ की, अर्निंग पर शेयर है 43.77, पी रेशियो है 4.26 की, बुक वैल्यू है 144.44 की, और इंडस्ट्री पी है 32.06 की। डिलीवरी देखिए कितनी अच्छी है, 42% के आसपास है, और फेस वैल्यू 5 की है, प्राइस टू बुक का 13.41 की। तो मैं कह रहा था कि बड़ी प्राइस, छोटी प्राइस, या AMC में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सवाल पे मैं यही कहूँगा कि देखिए, कंपनी तो निसंदेह बहुत ही अच्छी कंपनी है, और अगर हमें इन्वेस्ट करना ही है तो क्यों ना हम HDFC बैंक में करें, क्योंकि वो भी इसी के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और वो एक दिग्गज बैंक है, और बैंक वो रेगुलर रिटर्न दे रहा है, और बहुत पुरानी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की नंबर वन बैंक है। तो इस वजह से अगर इसके मुकाबले हम चाहेंगे तो हम क्यों ना इनके पेरेंट्स को लिया जाए, क्यों अभी नए नए वाली लिस्टेड कंपनी को लिया जाए, हालांकि है ये भी पुरानी। बट कभी कभी क्या होता है कि जिस हिसाब से मार्केट है, क्योंकि ये भी सारा पैसा निवेशकों का फंड मैनेजर के द्वारा ही शेयर मार्केट में डाला जाता है अलग अलग फंड्स में, फिर उस हिसाब से वो लोग कमाते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न मिलता हो उस प्रकार से इनकी कमाई है। तो इस लिहाज से कभी मार्केट में बेयरिश रहा कुछ साल तो डाउनसाइड भी दिख सकती है, लेकिन बैंक के क्या है, वो रिटेल बैंक में ज़बरदस्त है HDFC बैंक, तो लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ करती जा रही है, और अपने निवेशकों को भले ही कम लेकिन रेगुलर, मतलब कभी लॉस नहीं करा रही है, रिटर्न अच्छे ही मिल रहे हैं। या फिर HDFC जो स्वयं है, इसकी बड़ी कंपनी जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो भी एक अच्छा स्टॉक है, और जो लोग इसमें भी अगर निवेश करना चाहें तो अच्छी कंपनी, क्योंकि इनके माता पिता, इनके माई बाप जो हैं बड़े दिग्गज लोग हैं, तो इन पे कोई आँच नहीं आने देंगे, तो यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी तो अभी फ़िलहाल नहीं लगेगी हमें, एक अच्छी सुलझी हुई इनका मैनेजमेंट है, और आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न की अपेक्षा की जाती है। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का आशय कि मैं खुल के ओपिनियन अपना इसलिए नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, आने वाले फ्यूचर को देखने के बाद किसी निष्कर्ष पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं कि आपको कौन सा मशवरा दूं। हाँ, ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन जो अभी इस समय बहुत टूटे हुए मिल रहे हैं, और मैं अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाता रहता हूं, तो जनरली बहुत ही कम किसी में बाइंग की सलाह देता हूं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टूटी हुई कंपनी लगती है, या और अच्छे फंडामेंटली मैनेजमेंट की कंपनियाँ होती हैं और वो किसी कारणवश टूटी हुई मिल जाती हैं, तो उनमें कभी कभी मैं सलाह दे देता हूँ। तो इस तरीके से एक बड़ी प्राइस का चाहे तो कुछ लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, और नहीं तो HDFC बैंक के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। और मैं अपना वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, और कोई भी स्टॉक लेने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लीजिए, या फिर अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें दोस्तों, और यहीं पर मैं वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।